हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूं आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूं वाल्व सीरीज का 10वां प्रश्न। दोस्तों, आज के सीरीज में हम ये सीखेंगे, आज का जो मेन क्वेश्चन है वो ये है कि बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन, जो हम इंडस्ट्री में नाइट्रोजन यूज करते हैं, उस नाइट्रोजन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती है उसके बारे में हम आज सीखेंगे। और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, इसको आपको ध्यान से देखना पड़ेगा। हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन हब। मैं हूँ आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूँ वॉल्व सीरीज का 10वां प्रश्न। दोस्तों, आज का प्रश्न ये है कि व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन की क्या क्या प्रॉपर्टी होती हैं और उसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं। दोस्तों, अगर जब हम हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्निकल क्वेश्चन है। मैं हूँ आलोक रंजन और मैं लेकर आया हूँ वाल्व सीरीज का 10वां प्रश्न। और आज का जो प्रश्न है वो ये है दोस्तों कि बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन, व्हाट इज द बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन, इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन की क्या क्या बेसिक प्रॉपर्टी होती है या बेसिक क्या क्या क्वालिटी होती है। तो सर दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं। उसे समझने से पहले नाइट्रोजन के कुछ पैरामीटर्स या नाइट्रोजन का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जान लें। दोस्तों, नाइट्रोजन का सिंबल N होता है, एटॉमिक नंबर उसका 7 होता है, और नाइट्रोजन जो नाम दिया वो दिए थे जीन एंटोइन कैप चैप्टल, जो 1790 में दिए थे। फिर उसके जो खोज किए थे वो किए थे डैनी या रदरफोर्ड 1772। अब इसकी एविलिटी इन एयर, एयर में कितनी इसकी एविलिटी है वो है दोस्तों 78 से 79% के आसपास। एटॉमिक वेट 14, मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो -210 डिग्री सेंटीग्रेड, और बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो -195.79 डिग्री सेंटीग्रेड। दोस्तों, अगर इसको किस कैटेगरी में क्लासिफाई किया गया है पीरियोडिक टेबल में, तो वो नॉन मेटेलिक गैस में। और अगर इसकी डेंसिटी की बात करें तो इसकी डेंसिटी दोस्तों 0.0012506 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर। अगर इसकी फेज की बात करें रूम टेम्परेचर पे, तो रूम टेम्परेचर पे गैस फेज में रहती है। अगर फायर के रिलेटेड देखें कि फ्लेमेबल है या नहीं है, तो ये नॉन फ्लेमेबल गैस है। ये तो दोस्तों इसकी बेसिक जो है प्रॉपर्टी हो गई नाइट्रोजन की। लेकिन जो प्लांट में नाइट्रोजन यूज होती है उसका क्या क्या प्रॉपर्टी है, उसको उसकी मतलब क्या क्या क्वालिटी होती है। तो जो इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन होती है दोस्तों, उसकी जो प्योरिटी, सबसे पहले हम उसकी प्योरिटी देखते हैं कि उसकी प्योरिटी कितनी है। तो उसकी जो प्योरिटी होती है 99.6% मैक्सिमम उसकी प्योरिटी होती है, इससे ज़्यादा प्योरिटी नहीं मिलती है। और उसकी उसमें जो इंडस्ट्रियल जो नाइट्रोजन है उसमें जो है CO2 कार्बन डाइऑक्साइड कितना है, तो वो होता है 20 ppm पार्ट पर मिलियन। ऑक्सीजन कितना है दोस्तों, जो हम इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन का यूज करते हैं उसमें अगर कोई पूछे कि ऑक्सीजन कितना मैक्सिमम होना चाहिए, तो दोस्तों 200 ppm मैक्सिमम उसमें ऑक्सीजन कंटेंट होना चाहिए। प्रेशर की अगर बात करें तो जो इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन का प्रेशर है मिनिमम 5 kg होता है और मैक्सिमम 7 kg होता है। अगर हम वाटर पार्टिकल की बात करें, किसी भी नाइट्रोजन गैस में वाटर पार्टिकल कितने होने चाहिए, तो वो 20 ppm होने चाहिए। यहाँ पे दोस्तों एक और लुब्रिकेटिंग ऑयल जो कंटेन है वो मैं छूट गया है, वो भी लगभग 20 ppm होता है मैक्सिमम। अगर टेम्परेचर की बात करें, जो नाइट्रोजन गैस हम प्लांट में यूज करते हैं उसका क्या टेम्परेचर है, तो वो एम्बिएंट टेम्परेचर पे होता है, एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर जो है नॉर्मल जो टेम्परेचर है उस पर वो होती है। अगर ड्यू पॉइंट की बात करें दोस्तों, तो इसके ड्यू पॉइंट बहुत ही अधिक है। अगर इंस्ट्रूमेंट एयर के हमने ड्यू पॉइंट बताया था तो वो अप्रोक्स -40 डिग्री सेंटीग्रेड थे 7 kg के आसपास, लेकिन इसकी जो है ड्यू पॉइंट है -70 डिग्री ड्यू पॉइंट है। दोस्तों ड्यू पॉइंट में इंस्ट्रूमेंट एयर की जब क्वालिटी मैंने बताई थी, तो उसमें हमने ड्यू पॉइंट के बारे में बताया था कि ड्यू पॉइंट जितनी ही कम होगी उतना ही मॉइस्चर कंटेंट
कम होगा, और जितनी ही ज्यादा होगी उसमें उतना ही मॉइस्चर कंटेंट ज्यादा होगा। यानी कि -70 है, यानी कि ये टेम्परेचर इसका बहुत कम है, तो उसमें मॉइस्चर कंटेंट बहुत कम होगी। अगर यही अगर ये 2 डिग्री होता, तो यानी कि इसका टेम्परेचर बढ़ रहा है, तो यानी कि वहाँ पे मॉइस्चर कंटेंट नाइट्रोजन में ज़्यादा होगा। तो एक यही रीज़न है कि इसकी जो ड्यू पॉइंट है ना दोस्तों, इतनी -70 डिग्री है, इसीलिए हम नाइट्रोजन गैस का यूज उस वेसल में करते हैं जहाँ पे मॉइस्चर को हमें हटाना होता है। अगर किसी वेसल से अगर कोई भी अगर वेसल है, वेसल में अगर मॉइस्चर है, तो मॉइस्चर अगर आपको रिमूव करना है, तो वहाँ पे नाइट्रोजन गैस का यूज़ करोगे, क्योंकि नाइट्रोजन गैस बिल्कुल मॉइस्चर एब्जॉर्ब नहीं करती, और वो मॉइस्चर को रिमूव करने का काम करती है। तो ये बेसिक जो प्रॉपर्टी है जो किसी भी नाइट्रोजन गैस के जो केमिकल इंडस्ट्री में यूज होती है, वो जानना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। अधिकतर ये क्वेश्चन पूछा भी जाता है कि आपके प्लांट में जो नाइट्रोजन गैस है उसके क्या क्या प्रॉपर्टी है, तो आप ये बता सकते हो। ये इसके बेसिक प्रॉपर्टी हैं, और ये जो है टेक्निकल प्रॉपर्टी जो किसी भी प्लांट में मैन्युफैक्चर होती जो नाइट्रोजन गैस है उसकी। तो आई होप ये आप समझ गए होंगे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और अगर और इससे कोई क्वेरी है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद दोस्तों।